कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना के डालनवाला थाना क्षेत्र ईसी रोड दफ्तर में तीन हथियारबंद बदमाशों के घुसने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दफ्तर में घुसे बदमाशों ने ऑफिस के कर्मचारियों को हथियार दिखाकर आधे घंटे तक बंधक बना रखा और वहीं सूर्यकांत धस्माना को जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। जी, यहां से सूचना गई थी आदरणीय श्री धस्माना जी के ऑफिस से, उनके ऑफिस में दो तीन लोग आ रखे थे, हथियारबंद लोग आ रखे थे और जिन्होंने आकर के यहां पे धमकी वाले शब्द का प्रयोग भी किया था और कुछ सामान इत्यादि खंगाले हैं। इस सूचना पे हमारे जो स्थानीय पुलिस हैं और FSL की टीम यहां पहुंच चुकी है और हम लोग यहां पे फिंगरप्रिंट आदि की तलाश कर रहे हैं, जो एविडेंस है उसकी तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उनकी भी तलाश कर रहे हैं और एविडेंस जुटाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी कुछ सफलता मिलेगी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दफ्तर के आसपास छानबीन की और CCTV की जांच कर आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही है। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।